अभी यहाँ पर चाय बन रही है तो चाय पी के मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी आ चुके हैं हम प्लेग्राउंड में। काफ़ी दिन बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है सुबह के टाइम पे। टाइम हो रहा है अभी 6:33 और आज ना संडे थी और आज मेरी आँख जल्दी खुल गई। ऐसे बाकी दिनों में ना मुश्किल से आँख खुलती और आज जल्दी खुल गई। मैं बहुत जल्दी उठ गया था आज। तो मैं आपको अपनी आँख दिखाता हूँ। तो मुझे ना आई फ्लू हो गया था। पहले मेरे को इस आंख को था, फिर इस आंख से नहीं इस आंख को भी लग गया। तो गाइस वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं सुबह इतना सवेरे क्रिकेट खेलने के लिए। टाइम देखो आप 6:37 हो रहा है अभी। और अभी यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हुए कितने सारे हैं अभी के टाइम पर यहाँ से। और यहाँ पर देखो आप कुत्ते खेल रहे हैं। हर बार जब भी मैं व्लॉग करता हूँ मुझे कुत्ते दिखते ही हैं। देखा होगा आपने भी, नोटिस किया होगा। रेत भी है तो खेल रहे हैं। और अभी के टाइम पे यहाँ से मुझे स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं संडे के दिन। तो अभी मैंने अपना दिमाग लगाया और मेरे को पता चला ये 15 अगस्त की तैयारी करने आए हुए हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर भी एक ग्रुप है और तैयारी कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस की। तो अभी जो है ना यहाँ से बहुत सारे फ्लैग आज लगे हुए हैं किश्तवाड़ पुलिस के। हर कलर के फ्लैग यहाँ से लगे हुए हैं। किश्तवाड़ पुलिस। और वेदर आप चेक करो गाइस, बिल्कुल बादल आ चुके हैं आसमान में। ऐसा लगता है ना बारिश पड़ेगी आज, क्योंकि मौसम ना कुछ ख़राब सा लग रहे हैं। खुद ही देखो आप, बिल्कुल बादल ही बादल है हर तरफ से। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ गया था और अभी टाइम हो रहा है 7:06 बज रहे हैं अभी। आधा घंटा मैं यहाँ पर बैठा। यहाँ बैठ के ना सुकून जैसा मिलता है अकेले बैठ के यहाँ पर सुबह के टाइम पे। वो जोरों शोरों से जो है वो 15 अगस्त की तैयारी भी चल रही है। बच्चे खेल भी रहे हैं यहाँ से और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ से। और वहाँ पर जो है एक बार मैंने वहाँ पर भी व्लॉग बनाया हुआ था, छोटे बच्चे जहाँ पर वो वहाँ पर लगे हुए थे झूले वगैरह, और वहाँ पर जिम का कुछ सामान जो है वो लगाया हुआ था। तो मैंने कहा था पिछली बार कि आगे यहाँ पर जो है फ्री की जिम है तो फ़ायदा उठा हुआ। जहाँ पर आप देखो कितने सारे लोग हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, उसका ही वो सिस्टम जो है वो वहाँ पर लगा हुआ है। और अभी मौसम भी कुछ ख़राब जैसा लग रहा है मेरे को। तो अभी टाइम आ चुका है ग्राउंड को अलविदा करने का। और व्यू आप लास्ट बार जी चेक करो आप यहाँ का व्यू कैसा आ रहा है। तो गाइस रास्ते से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, सारी दुकानें बंद हो रखी है और इस जो रास्ते में मैं अकेला चल रहा हूँ। देख रहे हो कोई गाड़ी नहीं है अभी के टाइम पे। आगे से गाड़ी आ रही है, बहुत दूर है अभी। A few moments later. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सामान लेके दुकान पे। वही गलियों से चलते हुए हम। तो मैंने सुना है कि जब भी बारिश हो धूप साथ में पड़ती है ना तो उस टाइम पे जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, वो आप भी मांगना। तो अभी जो है वो टाइम हो रहा है 1:30। ठंडे के दिन पता क्या सीन होता है भाई, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे बाकी जो दिन होते हैं ना उसमें स्कूल की आप ले लो एग्जांपल, 45 मिनट का हमें एक पीरियड होता है, तो वो पीरियड हमें पढ़ के ना थक जाते हैं, वो पीरियड ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और संडे के दिन पता ही नहीं चल गया यार कि 1 बज गए। अभी जो है हर तरफ से ना भाई सिस्टम चल रहा है, मतलब कि यार जहाँ देखो ना वहाँ सिस्टम सिस्टम लोग लगे हुए हैं। तो पता ही होगा आपको क्यों लोग सिस्टम पे जो है वो बोलते रहते हैं सिस्टम। तो लोगों की आप स्टोरी देखोगे ये भाई स्नैप वेस्ट है, लोग नीचे से सिस्टम लिखा होता है भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या सिस्टम है इतना यार, और क्या बोलते हैं इसको, मतलब हर जगह बिग बॉस की बातें होती है। मैंने लास्ट सीज़न जो है बिग बॉस का सीज़न 13 देखा था, जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम भी आता था, उसके बाद मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों बिग बॉस पसंद है, मुझे समझ नहीं आता है। और अभी जो है मतलब यही सिस्टम चल रहा है किश्तवाड़ में भी। मैं अभी की बात आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले ही मैं यहाँ से चल रहा था तो एक बंदा स्कूटी पे और वो सिस्टम चलाते हुए भाई जा रहा है। मैंने बोला यार बाहर तो सिस्टम मैंने सुना ही था, पर अपने किश्तवाड़ में भी ना सिस्टम लगा हुआ है यार। तो बहुत टाइम बाद अब किश्तवाड़ में ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने बाद बाहर निकला हुआ हूँ मैं किश्तवाड़ में। और बाकी दिनों में ना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि स्कूल वगैरह होते हैं और ट्यूशन भी फिर जाते हैं, तो टाइम मिलता नहीं है। तो संडे ही ऐसा दिन होता है जब टाइम मिलता है, लेकिन संडे के दिन क्या होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता।
तो पहुंच चुके हैं हम पेट्रोल पंप, भरवाते हैं इधर पेट्रोल। तो गाइस हमारे मॉडल चेक करो स्टार्ट किया, और पीछे से जो मारुति वाला है भाई उसको बहुत ज़्यादा जल्दी इतनी हार मारे, पता नहीं भाई उसको कौन सी आग बुझाने जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो गाइस वेलकम बैक। तो आज दूसरा दिन है व्लॉग का। तो कल शाम को जो है वो किश्तवाड़ में ना आग लग गई थी कहीं पर, तो मेरे पास एक क्लिप है, आप क्लिप ही चेक कर लो पहले। क्या हो रहा टाइम 5:21, और अभी जा रहा हूँ मैं ट्यूशन, स्कूल गया हुआ था मैं, तो वहाँ से वापस आया, अब ट्यूशन जाना है। तो 7 बजे मैं आप सबसे मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:18, और अभी ट्यूशन से भी आ चुका हूँ मैं, और शाम होने का अभी बताइए कितना टाइम है, मतलब 10-15 मिनट में ना अंधेरा हो जाएगा अब। तो यही था आज का दिन, और सुबह मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं करने को, तो मैं सोचा फिर बाद में करूँगा, फिर बाद में कर करके ना अब शाम होने वाली है। तो मैंने सोचा है कि मैं ना टाइम टेबल रखूँगा एक, मतलब पढ़ाई का भी और व्लॉगिंग का भी, मतलब एक दिन में एक व्लॉग निकालना ही पड़ेगा, मतलब सुबह जो भी मैं करता हूँ फिर वो सब मैं दिखाऊँगा। सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग करूँ, मैं ट्राई करूँगा। तो आज की व्लॉग में इतना ही, अगर आपको पसंद आया होगा व्लॉग तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना वीडियो को, और प्यारे प्यारे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।